अपने देश के लिए लड़कर शहीद होने वाले जवानों के कई किस्से आपने सुने होंगे। चलिए आज आपको भारत के एक ऐसे वीर सपूत की कहानी बताता हूँ जिन्होंने दूसरे देश में शांति के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। 1960 में कांगो नाम के एक देश में गृह युद्ध के हालात बन गए थे। अपने देश में हो रहे विरोध को रोकने के लिए कांगो ने यूएन से मदद मांगी और यूएन ने भारतीय सेना से मदद मांगी। फिर क्या, भारतीय सेना की एक पूरी ब्रिगेड को कांगो के लिए रवाना कर दिया गया। इस ब्रिगेड के एक गोरखा राइफल्स की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन गुरबच्चन सिंह सलारिया कर रहे थे। ये वक्त था 5 दिसंबर 1961 का, जब गुरबच्चन सिंह को कांगो के एलिजाबेथ विले एयरपोर्ट को क्लियर करने का मिशन दिया गया। इस जगह पर पूरी तरह से विरोधियों का कब्जा था, लेकिन कैप्टन सलारिया अपने 19 जवानों की टुकड़ी के साथ इन विरोधियों के साथ भिड़ जाते हैं। उनके बटालियन के पास कुछ राइफल्स थी और कुछ खुकरी। कैप्टन सलारिया ने तो बस अपनी खुकरी से ही 40 विरोधियों को मार डाला, लेकिन इसी दौरान उनके गले में एक विरोधी ने 2 गोली मार दी। लेकिन फिर भी कैप्टन अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। ऐसे वीरों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा।